सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई फुल एक्शन में है। पूछताछ का दौर वो पहले ही शुरू कर चुकी है। सीबीआई ने आज दो बहुत अहम लोगों से काफी पूछताछ की है। इनमें से एक सुशांत के घर में काम करने वाला कुक था तो दूसरा हाउस मैनेजर। सीबीआई ने इन दोनों से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की, तमाम सवाल पूछे। चौदह जून को आखिर क्या हुआ? बांद्रा में फ्लैट नंबर 601 में आखिर क्या हुआ था? मुंबई में सीबीआई की पूछताछ की शुरुआत उस शख्स से हुई जो मौकाए वारदात पर मौजूद था, सुशांत का हाउसकीपर नीरज सिंह। नीरज से सीबीआई ने करीब 3 घंटे पूछताछ की, जिसमें 13 जून और 14 जून की पूरी कहानी समझने की कोशिश की। सीबीआई के पास सवालों की लंबी लिस्ट थी। 13 जून को क्या हुआ था? रूम में कौन कौन मौजूद थे? सुशांत का व्यवहार कैसा था? क्या सुशांत ने 13 जून को डिनर किया? किसने सुशांत का शव देखा? सुशांत के शव को किसने उतारा? क्या किसी को शव उतारने के लिए बुलाया गया? अगर हाँ तो वो कौन था? पीसीआर को कब कॉल किया गया? 6 महीने से सुशांत के फ्लैट में कौन कौन रह रहा था? क्राइम सीन के अलावा मौका वारदात पे जो जो लोग मौजूद थे, जिसने सबसे पहले सुशांत की बॉडी पंखे से लटकती देखी, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। नीरज सिंह घर में मौजूद उन चंद लोगों में था जिसने आखिरी बार सुशांत को जिंदा देखा था। नीरज सिंह के मुताबिक मौत से पहले सुशांत जूस पीने के लिए कमरे से बाहर आए थे। वहीं आज तक से बातचीत में नीरज ने उस दिन की पूरी कहानी बताई थी। सर ने मेरे को बोला, नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर, मैं फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया। ठंडा पानी उनको दिया, देने के बाद सर ने पानी पिया तो जस्ट मुझे गिलास दिया, तो देने के बाद बोला सब ठीक है ना, मामला नीचे। मैंने कहा हाँ सर, सब कुछ ठीक है, ओके। हल्का फेस में स्माइल दिया तो उसके बाद वो रूम पे चले गए। फिर उसके बाद 10:30 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज वरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो वो जो सेफ है वो तीनों लेके गए ट्रे में। तो सर ने गिलास जूस और जो है ट्रे नहीं लिया, उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। सुशांत के कमरे में जाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो चाबी वाले को भी नीरज ने ही बुलवाया था और दरवाजा खुलने के बाद की कहानी भी नीरज ने आज तक को बताई। तो जैसे खटखटाए तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है हमारे पास नहीं उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया, तो उनकी सिस्टर को फोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे मैं खुलवाऊ मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो हमने उन्होंने ताला चाबी वाले को फोन करा कि पता तो चले क्या है अंदर, तो फटाफट ताला चाबी वाले को बुलवाया, 5-10 मिनट में वो भी आ गया। हाँ सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा तोड़ दो, इतने देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। फिर उन्होंने 5 मिनट में तोड़ दिया, तो हमने उनको गेट ही नहीं खोलने दिया, हमने कहा जैसे तोड़ दिया आप सामान उठाओ। उन्हें 2000 रुपये कैश दिए, तो मैं दीपेश उन्हें भेज दिया हमने। हमने कहा जाओ, मैं दीपेश सिद्धार्थ ऊपर थे और जो केशव भाई थे जो कुक थे उन्हें ड्रॉप करने के लिए गेट बंद करने के लिए, तो उन्हें चले गए। तो पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते हैं अपना दीपेश था और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के, हमने बोला ऐसा क्या है हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे मैं था तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांस लगा के लटके। नीरज के बाद सीबीआई ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। सैमुअल वो शख्स है जो सुशांत के घर के पैसों का हिसाब किताब रखता था। रिया के परिवार वाले सैमुअल को रिया का करीबी बता रहे हैं, वहीं सैमुअल को शातिर भी बताया। यही वजह है कि सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया के परिवार के अलावा सैमुअल मिरांडा का नाम भी दर्ज कराया था। और फरवरी में सुशांत की बड़ी बहन के पति ने मुंबई पुलिस से व्हाट्सएप पर जो शिकायत की थी उसमें भी सैमुअल के नाम का जिक्र है, जिससे पूछताछ करने की बात परिवार कर रहा था। ओपी सिंह ने लिखा था अगर मिरांडा को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की जाए तो सुशांत के खिलाफ हो रही साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। चूंकि ये लिखित शिकायत नहीं थी इसलिए पुलिस ने तब मिरांडा पर हाथ नहीं डाला। 15 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी
ईडी ने मिरांडा से पूछताछ की थी। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।